वेलकम करता हूँ आपको अपने इस गार्डनिंग चैनल पे जिसका नाम है बिगनर्स गार्डनिंग। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ रीयूज़ प्लांट्स पे। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये गाजर का ऊपर पौधा निकला हुआ है, इसको मैंने बेसिकली रीयूज़ किया था। रीयूज़ कैसे किया था, गाजर एक थी मेरे पास तो हाफ़ खा ली थी, हाफ़ ज़ाया हो गई, नहीं खाई, वो बड़ी बड़ी ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसको ज़मीन में लगा दिया। पत्ता बिल्कुल भी नहीं था ऊपर, और अब जो है इसके ऊपर ये देखें पत्ते निकल आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो गाजर तो दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन इससे गाजर के सीड्स जो हैं मैं बना सकता हूँ। तो सीड्स इससे निकल आएंगे, और वैसे भी इसके जो पत्ते हैं काफ़ी प्यारे हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। एंड आप नोट कर रहे होंगे कि इसके साथ एक छोटा सा ये पौधा निकला हुआ है, ये बेसिकली मटर है। एक मटर भी मैंने इसके साथ लगा दिया था, और भी एक जगह इसके साथ, ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसके साथ भी एक मटर का मैंने बीज लगा दिया था, मटर यानी कि रख दिया था। तो पौधा निकला है, इसका भी छोटा सा पौधा बना है और इसका थोड़ा बड़ा हो गया, बेल होती है बेसिकली मटर की। एंड आप देख रहे होंगे ये जो मेरा टमाटर है ये पर्पल सा हुआ है, ये बेसिकली जैसा कि सब जानते हैं लाहौर में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी की वजह से जो है मेरा टमाटर इस तरह हो गया है। ये इंशाल्लाह धूप लगेगी कुछ दिन तो सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे टमाटरों को ऐसा हो गया था, लेकिन हो गए थे वो बाद में सही, तो इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएंगे। एंड ये मटर है, एंड ये इसके साथ दूसरा मटर, एंड ये गाजर, और इसके पौधा थोड़ा और बड़ा होगा, इसके जो पत्ते हैं ये और काफ़ी ऊपर जाएंगे, फिर इसके सीड्स बनेंगे। एंड जब इसके सीड्स बनेंगे, जब सीड्स हार्वेस्ट करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे, तब मैं इसकी आगे फर्दर वीडियो बना के आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़ जो आपका किचन वेस्ट है उसे ज़ाया ना करें। सपोज़ जैसे गाजर हो गई, कह सकते हैं गोभी जो होती है बंद गोभी, उसका भी जो नीचे वाला स्टेम वगैरह होता है उसको भी अगर आप ज़मीन में लगा दें, गमले में लगा दें, तो वो भी आगे से अपनी रीग्रोथ शुरू कर लेता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा जब इसके जो सीड्स वगैरह लग जाएंगे, तो फर्दर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।